हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये है चिल्ली चीज सैंडविच की। बिल्कुल कैफे स्टाइल हम चिल्ली चीज सैंडविच घर पे बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है ये, और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 5 मिनट में ये सैंडविच बनकर रेडी हो जाती है, और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप देख सकते हैं, बाहर से बिल्कुल ये क्रिस्पी और अंदर से जो इसका टेक्सचर है बिल्कुल क्रीमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टेस्टी सी सैंडविच बनाना। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कटारियाज इंडियन किचन को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चिल्ली चीज सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बड़ी साइज का प्याज, जिसे मैंने बहुत ही बारीक कट करके ले लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। तो 2 शिमला मिर्च ले ली थी मैंने, जिसे बहुत ही बारीक कट करके डाला है। और यहाँ पर मैंने ले ली है 2 हरी मिर्चें, इसे भी मैंने बहुत ही बारीक से कट करके डाला है। अब सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से इसमें बारीक कटी हुई ही डालें। तो अब हम इसमें डाल देंगे चाट मसाला। तो यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच के जितना चाट मसाला डाल दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे आमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं चाट मसाले की जगह पर। और अब हम इसमें डालेंगे चिल्ली फ्लेक्स। चिल्ली फ्लेक्स भी मैंने आधी छोटी चम्मच डाला है। आप चाहें तो यहाँ पे नॉर्मल जो पाउडर होता है चिल्ली पाउडर, वो भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। तो मैंने यहाँ पे आधी छोटी चम्मच नमक डाल दिया है। तो अब मैंने यहाँ पे ये इस तरीके का चीज़ क्यूब ले लिया है, जो कि आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो इस तरीके से मैं ये 2 चीज़ क्यूब इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो वो बड़ा वाला जो ब्लॉक चीज़ का मिलता है आप वो भी ले सकते हैं। तो इसे हमें यहाँ पे चीज़ को ग्रेट करके डालना है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है इसमें चीज़ को ग्रेट करके, लगभग 4 टेबल स्पून के जितना हमें यहाँ पे चीज़ चाहिए ग्रेट किया हुआ। तो अब हम इन सारी चीज़ों को बहुत ही बढ़िया से एक बार मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे चीज़ के जो स्लाइसेस होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये वाला चीज़ नहीं है, मोज़रेला चीज़ भी आप इसमें डाल सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बढ़िया से हमारा मिक्स बन के रेडी हो गया है। अब मैंने यहाँ पे ले लिए हैं ये ब्रेड के 3 स्लाइसेस। तो यहाँ पर आप वाइट या ब्राउन जो भी ब्रेड हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये बटर ले लिया है मैंने। बटर हमारा यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट सा होना चाहिए, आप फ्रिज से इसे पहले से निकाल के रखें। और यहाँ पर ये ले लिया है मैंने हरा धनिया और पुदीने की चटनी, जो हम नॉर्मली घर पर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं उस पर लगा लेंगे बटर। बटर हमें बहुत ही बढ़िया से लगाना है। बटर लगाने से जो सैंडविच है उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है, और काफ़ी क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी सैंडविच बनती है। तो मैंने यहाँ पे 3 स्लाइसेस पे बटर अच्छे से लगा लिया है। अब ये जो हमने हरा धनिया और पुदीने की चटनी ले ली है, इसे भी हम अच्छे से सारे ब्रेड के स्लाइसेस पर लगा लेंगे इस तरीके से। ये चटनी लगाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, हम चिल्ली चीज़ सैंडविच बना रहे हैं तो उसमें ये चटपटा और तीखा सा फ्लेवर आएगा इस चटनी का। तो आप इस चटनी को यहाँ पर ज़रूर यूज़ करें। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 स्लाइसेस पे चटनी को अच्छे से लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने मिक्सचर बना के रखा है इसे भी हम अच्छे से ब्रेड के ऊपर लगा लेंगे। तो लगभग 2 से 2.5 टेबल स्पून के जितना आप मिक्सचर इस पे अच्छे से इस तरीके से स्प्रेड कर लें। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे ब्रेड का स्लाइस। तो इस तरीके से इस स्लाइस को इसके ऊपर रख देंगे। और अब हम इसके ऊपर भी यहाँ पर यही मिक्सचर रखेंगे। आप चाहें तो 2 ब्रेड के स्लाइस लेकर भी ये सैंडविच बना सकते हैं। मैं आज 3 लेयर वाली सैंडविच बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 3 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। तो इसके ऊपर अब हम ये रख देंगे ब्रेड का स्लाइस इस तरीके से, और हल्के हल्के हाथों से इसे प्रेस कर लेंगे। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे बटर। तो बटर हमें इसके ऊपर अच्छे से लगाना है, ताकि जब हम इसे अच्छे से सेकेंगे तो इसकी काफ़ी बढ़िया सी जो हमारी सैंडविच है क्रिस्प और अच्छी टेस्टी सी बनेगी। तो मैंने यहाँ पे इसे बटर लगा लिया है अच्छे से इसके ऊपर। तो चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं। तो आप इसे सेकने के लिए इस तरीके का ग्रिल पैन हो अगर आपके पास तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, या आप नॉर्मली इसे फ्लैट जो तवा होता है आयरन का, या इस तरीके का कोई भी तवा ले लें आप, उस पर भी इसे बना सकते हैं। या फिर आप सैंडविच का जो सैंडविच मेकर होता है ग्रिल वाला, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं इसे पैन में बनाने वाली हूँ, इस ग्रिल पैन में। तो इस तरीके से जिस साइड हमने बटर लगाया था तो उसे हम नीचे की ओर रख देंगे इस तरीके से। और अब हम इसके ऊपर अच्छे से बटर लगा देंगे इसकी दूसरी साइड पर भी। तो यहाँ पर आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, और लो फ्लेम पर हम 2 मिनट के लिए इस सैंडविच को अच्छे से यहाँ पे सेक लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसे कवर कर लिया है। कवर करके ही आप इसे सेकें, और बिल्कुल लो फ्लेम रखें ताकि जो हमने इसमें चीज़ वगैरह डाली है बढ़िया से मेल्ट हो जाए, और सारी चीज़ें बढ़िया सी इसमें कुक हो जाए अंदर। तो इस तरीके से मैंने इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से सेक लिया है एक साइड से, और इसे अब हम फ्लिप कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से 2 मिनट के लिए सेकेंगे। तो आप देख सकते हैं इस पर ग्रिल मार्क्स कितने अच्छे हैं, और काफ़ी बढ़िया और क्रिस्पी सी हमारी सैंडविच बन एक साइड से बन गई है। तो सेम तरीके से हमें इसे दूसरी साइड से भी अच्छे से 2 मिनट के लिए सेक लेना है। तो सैंडविच हमारी यहाँ पर बिल्कुल बनकर रेडी है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं।
इसी तरीके से हम यहाँ पर एक और सैंडविच बना लेंगे। जितना मिक्सचर हमने बनाया था उससे आप टोटल 4 सैंडविच आराम से बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दूसरी सैंडविच भी बना ली है। तो चलिए अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो कट करने के लिए आप यहाँ पे बिल्कुल अच्छी शार्प नाइफ ले लें जिससे आसानी से कट हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसे मैं यहाँ पे इस तरीके से कट कर रही हूँ। आप अपने पसंद के हिसाब से इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी सैंडविच हो गई है कट और आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी है बाहर से और अंदर से ये बहुत ही क्रीमी बहुत ही चीज़ी सी हमारी सैंडविच बनकर रेडी है। बहुत टेस्टी लगती है सैंडविच और इसे बनाना भी बहुत आसान है, बहुत झटपट से बन जाती है और आपको ये बहुत पसंद आएगी। अगर आप इसे एक बार बना लेंगे ना इसे बार बार बनाकर खाएंगे, बहुत टेस्टी। तो मैंने यहाँ पे इसे सर्व किया है, इसके ऊपर थोड़ा सा और चीज़ डाल दिया है मैंने ग्रेट करके, जैसे हमें बिल्कुल कैफ़े वगैरह में मिलता है या स्ट्रीट पे मिलता है बिल्कुल वैसी सैंडविच हमारी बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी और यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से आप लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू ऑल।